अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस समय मौजूद हूँ स्नैक्स टुनाइट कॉर्न डॉग्स पर। जैसा कि कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद करा था, जो कि थी साबरा बाजी के ऊपर, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कॉर्न डॉग को पाकिस्तान और कराची के अंदर। तो आप लोगों ने उसको इतना ज़्यादा पसंद करा और कॉर्न डॉग को भी इतना ज़्यादा पसंद करा कि अब इन्होंने पूरी 4 ब्रांच ओपन कर ली है, जो कि मौजूद है कामरान चुरंगी पर, उसके अलावा स्कीम 33 साथ में हुसैनाबाद, और एक दो दिन में ओपन होने वाली है बंस रोड पर। तो चलिए पहले मैं आपको ये हुसैनाबाद ब्रांच का दिखाता हूँ कि यहाँ पर कॉर्न डॉग किस तरह से तैयार किया जाता है, उसकी प्राइस क्या और जायके में कैसा। अगर आपने अभी तक नहीं खाया तो अगर आप खाने आए तो आपको कैसा लगेगा। इसके साथ ही फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कॉर्न डॉग किस तरह से तैयार किया जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है। तो लोग सोचते हैं कि भाई ये आखिर चीज़ क्या है, किस तरह से तैयार की जाती है, इस पर कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है, जो मेरे साथ यहाँ पर भाई बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अली। अली, सबसे पहले ये कैसे तैयार होता है, क्या होता है ये? ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने स्टिक ली है, उसके नीचे सबसे पहले इन्होंने ऐड करा है सॉसेजेस, जो कि एक हाफ सॉसेज का पीस है, ठीक है, वो ऐड कर रहे हैं ये। उसके बाद ये क्या पतली स्ट्रैप की चीज़ की है? पास्ता, ठीक है। अच्छा, पतला चिकन का स्ट्राइप्स ही है जो कि ये इसमें ऐड कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या ऐड करेंगे हम? चीज़, ये कौन सी चीज़ है? अच्छा, ये मोज़िला चीज़ है, मोज़िला चीज़ का एक 1.5 इंच का पीस है। उसके बाद और जो इन्होंने स्ट्राइप्स ऐड करी थी उसी को जिगजैग की शेप में ऊपर से ऐड करते जा रहे हैं। दोबारा से सॉसेज का पीस आया और फिर दोबारा से जिगजैग होने के बाद ये एक और मोज़िला का पीस आ गया, तो ये तैयार है। अच्छा, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ क्या किया जाता है। अच्छा, ये दूसरा स्टेप यहाँ पर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे इसके साथ? सर, इसमें लगाएंगे चेडर चीज़। अच्छा, मोज़िला चीज़ के इन्होंने 2 पीस लगाए थे 1-1 इंच का, अब उसके ऊपर लगा रहे हैं चेडर चीज़। अच्छा, ये पूरा इस तरह से इन्होंने इसको कवर कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब कवर करने के बाद ये जाएगी हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, और नेक्स्ट स्टेप के बाद ये इधर आ गई है, और ये मेरे एक भाई हैं। ये आप क्या ऐड कर रहे हैं आप उसके ऊपर? मैदे का बैटर कोटिंग कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल पतला सा मैदे का बैटर है, उसके ऊपर ये पूरा अच्छी तरह से इसको चढ़ा देना है, देखे बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये पोटैटो है। अच्छा, ये छोटे छोटे आलू के पीस हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा मैदा लगा हुआ है, तो ये पूरा जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने कवर कर दिया। अब ये लास्ट में क्या? ठीक है, ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब की पूरी अच्छी तरह से थिक कोटिंग करी है इन्होंने। अच्छा, अब ये तैयार है फ्राई होने के लिए, तो आपको दिखाते हैं फ्राई किस तरह से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, अभी हमारे कॉर्न डॉग जो है आ गया फाइनल स्टेज की तरफ, जहाँ पर इसको फ्राई किया जाता है। तो मेरे साथ इसमें मौजूद है यहाँ के ओनर दानियल भाई। अस्सलाम वालेकुम। भाई, कैसे हैं आप? खैर से, दानियल भाई, साबरा बाजी इधर नहीं होती, वो कहाँ पर होती है? साबरा बाजी जो है जोहर वाली ब्रांच। अच्छा, होती है। अच्छा, मतलब 2 ब्रांच वो देखती हैं, 2 ब्रांच ये हुसैनाबाद वाली और बंस रोड वाली आप देखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, रिस्पांस कैसा आ रहा है, लोगों ने कैसा पसंद करा है इसको? रिस्पांस तो मैं बिल्कुल बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं बताने के लिए। आप तमाम यूट्यूबर्स ने जो एफर्ट किया हमारे लिए, और कोई हमें कराची में जानता नहीं था, पाकिस्तान बर्ड्स लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, जैसे माशाल्लाह से। भाई, जाहिर सी बात है इनके हाथों में जायका है, इस कॉर्न डॉग में इतना जायका है कि लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि कुछ ही अर्से में इन्होंने 4 ब्रांच ओपन कर ली है, वो भी कराची की फेमस जगह पर, हुसैनाबाद जैसे थोड़ी स्ट्रीट पर, बंस रोड जैसे थोड़ी स्ट्रीट पर। तो भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? इसकी एवरेज प्राइस 350 से लेकर 400 रुपये तक है, लेकिन अभी स्पेशल फ्लेवर सर्च कर रहे हैं हम, जो कि 400 रुपये का है। अच्छा अच्छा, दूसरी ब्रांच पे जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, अलग अलग किस्म के होते थे, तो अभी यहाँ पर कौन सा फ्लेवर है? इसके हमारे पास 8 फ्लेवर होते हैं, लेकिन जो सबसे स्पेशल फ्लेवर है सिर्फ वही सर्विंग करें। ठीक है, 400 रुपये।
बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि 400 रुपए प्राइस बहुत ज्यादा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 400 रुपए प्राइस थोड़े ज्यादा है, 400 रुपए मतलब 200 रुपए में अभी खड़े होगी इसी वक्त में इसी वीडियो के दौरान बेच सकते हो, लेकिन चीज की क्वालिटी पीछे हमें गिरानी पड़ेगी। चीज जो है वो मक्खन और चर्बी वाली यूज करेंगे, कंज्यूमर 200 रुपए यहाँ से जाएगा लेकिन 2000 डॉक्टर को पे करेगा फिर। बिल्कुल भाई, अगर आप क्वालिटी वाली चीज खाना चाहते हैं तो थोड़े से आपको प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर आपको क्वालिटी भी मिलेगी, जायका भी मिलेगा उसी के ऊपर। तो अच्छा, इसकी लोकेशन दानियल भाई से फिर से सुन लेते हैं, इस जगह की लोकेशन बताएं। लोकेशन जो है हुसैनाबाद पूरी सीट में, दिल्ली मलिक रेस्टोरेंट की बिल्कुल अपोजिट है। आप हुसैनाबाद पूरी सीट में आएंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आदम की पार्क है और मैदान बैंक के बिल्कुल साथ है, हम लोग दिल्ली मलिक और अहद फार्मेसी के बिल्कुल सामने। बिल्कुल, तो चले दानियल अब हमें भी एक फ्राई करके दे मजेदार सा, जो ऊपर सॉस ऐड कर रहे हैं उसके बाद, और हम टेस्ट में बताएंगे हमारे व्यूअर्स को इसका जायका कैसा। तो दोस्तों हमारा गर्मा गर्म सा कॉर्न डॉग आ चुका है, और दिखने में जैसा कि इन्होंने आप देख सकते हैं, इन्होंने कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको तैयार किया है, सॉसेज से टॉपिंग के साथ, बहुत ही यमी और मज़ेदार सा लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी सी है। तो इसको खाते हैं और आपको बताऊंगा इसका जायका कैसा है। काफ़ी सॉसी है, मज़ेदार सा लग रहा है। बिस्मिल्लाह पानी रहे। भाई क्या बात है, इतना ज़बरदस्त और इतना जायकेदार है कि मुँह में जायकों का ब्लास्ट सा हुआ है। सबसे ऊपर जो मैंने चीज़ ऐड करी थी वो इतनी यमी और ज़बरदस्ती है, और साथ में चिकन की स्ट्राइप्स है, फिर ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची से जो उसमें कोटिंग का ऐड करी है, तो आपस में घुल मिल के बहुत ही ज़बरदस्त है, कॉर्न डॉग है, बहुत मज़ेदार। अच्छा, इसके बारे में और बोलना चाहूँगा कि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करा था कामरान चुरंगी पर, जहाँ पर साबराबादी ने इसको फर्स्ट टाइम लगाया था, तो उसके मुकाबले में और भी ज़्यादा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। पहले से ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट है और पहले से ज़्यादा बेहतरीन इसकी क्वान्टिटी भी है। तो मुझे यहाँ का ये कॉर्न डॉग बहुत अच्छा लगा। अगर आप यहाँ पर आकर स्नैक्स टुनाइट कॉर्न डॉग्स पर आकर इसको ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए हाफिज़।